Assalamu alaikum students, hope you will be doing well and welcome to the class of knowledge. Our today's lecture is about vernier caliper and I will give you explanation of vernier caliper and some basic points about vernier caliper. And today's our content is what is vernier caliper, who developed it, what are the parts of the vernier caliper and how we take outside and inside measurement. What is vernier caliper? Vernier caliper basically kaisa instrument hai jo bahut hi precisely hame measurement deta hai, hame kisi bhi cheez ki width, uske circumference, radius, diameter, uske dimensions ko calculate karna ho, measure karna ho to bahut hi aasani se hame measure karke deta hai. Lekin iska kya hai ki ye iske isme errors ke chances bahut hi kam hai, just like 0.01 and 0.001% chances hai ki aapka koi bhi error aaye iske andar, theek hai. And ye bahut hi useful tool hai. Iske alawa jitne bhi round objects hai unke cylinder ko bhi find out karne mein ye bahut hi zyada helpful hai. Hum iski different calculations kaise karte hain, iske different measuring jaws hote hain unke through karte hain, jo ki hum log aage padhenge. अच्छा, इसको डेवलप किसने किया था? पायरी वर्नियर एक साइंटिस्ट हैं जो कि फ्रांस के हैं. उन्होंने 1631 में इस इंस्ट्रूमेंट को एस्टैब्लिश किया था और उसकी डिफरेंट वर्किंग्स भी हमें बताई थी कि हम किस तरीके से मतलब स्टेप्स को फॉलो करके इसकी वर्किंग को इस डिफरेंट चीज़ों के मेजरमेंट हासिल कर सकते हैं. क्योंकि बहुत चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जस्ट लाइक कोई ऐसी चीज़ जिसका जो कि बहुत छोटी हो, जिसका डायमीटर जिसकी लेंथ मिलीमीटर्स में हो, उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे. तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें से वर्नियर कैलिपर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि उन चीज़ों की डायमीटर विड्थ को मेजर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है. सो हम लोग पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर देखते हैं. ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर की एक है जी पिक्चर है. इसमें ये इसके इंटरनल जॉज हैं, ये एक्सटर्नल जॉज हैं. ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इस पार्ट को हम लोग मूवेबल कहते हैं, क्योंकि इसका ये वाला एक इंटरनल जॉ एंड ये वाला एक एक्सटर्नल जॉ आगे पीछे मूव कर सकता है. ये इसका लॉकिंग स्क्रू है जिसको हम लॉक करके इसके जॉ को लेफ्ट साइड पे लेके जा सकते हैं तो टाइट होगा, राइट साइड पे जाएगा तो ये लूज़ हो जाएगा. हम ये लॉकिंग स्क्रू के थ्रू करते हैं. ऊपर वाला इंपीरियल स्केल है, नीचे वाला मेट्रिक स्केल है एंड ये वाला एक ब्लेड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज़ की ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं. इसके प्रिकॉशंस ये हैं कि अगर आपने वर्नियर कैलिपर को यूज़ करना है तो उसे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर ले, क्योंकि एक भी डर्ट पार्टिकल रह गया ना तो क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी. क्योंकि इसमें एक पार्टिकल की भी जो मेजरमेंट है ना, ये वो भी कर मतलब वो भी उस ऑब्जेक्ट के साथ आ जाएगी. उस ऑब्जेक्ट को हम सही तरीके से मेजर नहीं कर सकेंगे तो उसको बहुत अच्छे तरीके से, ख़ास तौर पे आप उसके इंटरनल एक्सटर्नल जॉज एंड ब्लेड को यूज़ करें तो उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया करें. इसके अलावा ऑब्जेक्ट को भी क्लीन कर लिया करें ताकि उसमें भी कोई डर्ट पार्टिकल ना रह जाए. अच्छा जी, हम लोग आउटसाइड मेजरमेंट कैसे लेते हैं वर्नियर कैलिपर के थ्रू. वर्नियर कैलिपर के थ्रू जैसा कि आपको बताया, वेट, लेंथ, हम लोग डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं. तो इसके ये वाले लोअर जॉज होते हैं, ये आप देख सकते हैं, इनको एक्सटर्नल जॉज कहते हैं. इनके थ्रू हम लोग मेजरमेंट करते हैं. अच्छा, जब आपने किसी चीज़ को एक्सटर्नल जॉज के अंदर रख के मेजर करना हो तो आप क्या करते हो, ख़ास तौर पे ये जॉज इसलिए यूज़ होता है ताकि हम किसी भी चीज़ की विड्थ को, उसके सिलेंडर को मेजर कर सकें, ठीक है. ब्लेड इसलिए यूज़ होता है ताकि हम डेप्थ को मेजर कर सकें. और इस ऊपर वाले इंटरनल जॉज से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरकमफेरेंस को, डायमीटर को मेजर कर सकते हैं. अब किसी भी चीज़ की वेट को मेजर करना है, अपने हाइट को मेजर करना है तो आप ये वाले जॉज लेंगे. आपने क्या किया, अपने इस फिंग थम्स के साथ इस मूविंग जो जॉ होता है इसको मूव किया राइट लेफ्ट साइड पे एंड देन इस ऊपर वाले स्क्रू को टाइट कर दिया तो आपका ये वाला जो ये होगा ऑब्जेक्ट होगा वो टाइट हो जाएगा. उसके बाद आपने ये इंश्योर करना है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा हो, टेढ़ा मेढ़ा ना पड़ा हो, ताकि उसकी जो आप वेट या उसकी हाइट मेजर कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल सही से उसकी वेट जो है ना वो मेजर हो जाए. इसके अलावा आपने ये इंश्योर करना है कि आपकी जो कैलिपर की बॉडी है और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी बॉडी बिल्कुल पैरेलल हो आपस में, ठीक है ना. मींस अगर ये वाली इस तरह है तो ये भी इस तरीके से पैरेलल होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने उसको अच्छे तरीके से टाइट कर लिया, हमने उसको लूज़ किया, उसकी रीडिंग ली और हमारे पास काम कंप्लीट हो गया. हम लोगों ने ये तीन स्टेप्स को फॉलो करना है और चौथा स्टेप रीडिंग लेने वाला है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो बस इन
मूवेबल जॉज को आप कैसे मूव करते हैं, किस तरीके से टाइट करते हैं, आज के लेक्चर में आपको यही बताना मकसद था। उसके बाद हम लोग आउटसाइड मेजरमेंट कैसे लेते हैं, हम लोग ज़ीरो कैलिपर फर्स्ट हमारा स्टेप है कि हमारे पास ये जो ये वाले जॉज होते हैं इंटरनल जॉज होते हैं, इनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से स्क्रू की मदद से टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे जिस ऑब्जेक्ट के अंदर डालना है, जिसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, उसके अंदर डालें, देन स्क्रू को ओपन करें, तब तक ओपन करें जब तक इसके जॉज जो है ना उसके सर्कमफेरेंस या उसकी ऑब्जेक्ट की वॉल्स के साथ टच ना करें। टच कर लेंगे देन आप उसकी क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे, एंड देन योर स्टेप इज़ कम्प्लीट। ठीक है, मीन्स उसकी रीडिंग ली, उसको ओपन किया, टर्न किया, स्क्रू लॉक स्क्रू जो कि ये हमारे पास होता है, ये वाला लॉक स्क्रू, उसको टर्न किया, ओपन किया, एंड देन रीडिंग लेके हमारे पास सारा काम ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, तो आज के लिए हमारे पास इतना सा लेक्चर था, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग रीडिंग लेना भी सीखेंगे और इसके एरर्स करेक्शंस भी सीखेंगे कि एरर्स कैसे निकालते हैं, कितने परसेंट चांसेस है एरर के, एंड दिस एंड दैट। आज बस आपको बताना था कि आप किस तरीके से वर्नियर कैलिपर को यूज़ कर सकते हैं और ये किस लिए यूज़ होता है, किन किन कामों के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब कुछ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। सो द मैसेज ऑफ द डे इज़ थैंक्स टू गॉड फॉर गिविंग यू अनदर डे टू सी, another chance to repent and love the life. So do follow this message and best of luck, students.